हेलो बच्चों तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास एट का चैप्टर नंबर थर्टीन जिसमें हमें बताना है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कि हमारा यह होता क्या है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स तो इन सभी बातों को हम जानेंगे अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक्स जानेंगे अलग अलग प्रकार के फाइबर्स जानेंगे इनके यूजेस इनके कारण क्या हमारे इन्वामेंट में पॉल्यूट होता है ये सभी बातों को समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट फाइबर्स लाइक जूट कॉटन ऊल एंड सिल्क तो जैसा कि आपने क्लास सेवन में पढ़ा था कि हमारा जूट क्या होता है कॉटन क्या होता है ऊल क्या होता है सिल्क क्या होता है दे आर प्लांट्स फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑफ तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें से अधिकतर हमारा नेचुरल फ़ाइबर था नेचुरल फ़ाइबर वो जो कि हमें पेड़ या कोई जानवर से मिले उसे कहते हैं हम नेचुरल फ़ाइबर सिंथेटिक फाइबर हम कहते हैं मैनवेड आदमियों के द्वारा बनाए गए फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियली फाइबर और मैनवेड फाइबर तो कलेक्टिवली वी कैन से डैट फाइबर लाइक कॉटन ज्यूट उल एंड सिल्क आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दे कैन देअर फॉर वी कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स इसलिए हम इसे नेचुरल फ़ाइबर्स कहते हैं जैसा कि आप समझ गए होंगे तो ऑल नेचर फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स विच आर देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स ओके तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्या क्या हमारे फ़ाइबर्स के यूज़ किए जाते हैं क्लॉथ्स बनाने में दिस फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटीज़ ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स कारपेट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेस ओके जैसा कि हम जानते हैं कि फ़ाइबर्स के हमारे कितने वेराइटी प्रकार के यूज करते हैं हम अपने घर में ही However, the demand for फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज़ सो लार्ज natural नेचुरल फाइबर्स आर अनेबल टू फुलफिल इट ओके तो इतना आज हमारा डिमांड हो गया इतना हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई फाइबर की कि जो हम नेचुरल फ़ाइबर से जो ऑप्टेन करते थे वो हमारे लिए इफ़िशेंट नहीं है वो हमारे लिए सफी उससे हम अपना फुलफिल रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल नहीं करते इसलिए हमारे द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे फाइबर्स जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप आर्टिफिशियल फाइबर्स दिस फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स मैनवेट फायर्स ओके तो चलिए समझते हैं सिंथेथिक फाइबर होता क्या किस तरह से बनते हैं लेटेस्ट कंसीडर सर्टन एग्जाम्पल्स लुक एट द नेकलेस मेड ऑफ बीट्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड अल्टरनेटिवली ऑब्जर्व द ट्रेंड फॉर्मिंग बाई ज्वाइनिंग द इट्स वेगॉन इज दे आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द बीट्स इन अकल्स एंड वैगन ज्वाइन विथ वन अदर तो कहता है कि आपके घर में नेकल्स जो पहनते होंगे उन नेकल्स के धागे को देखिए और एक ट्वाई एक कोई हमारा खिलौना रहता है टॉय ट्रेन ओके उसमें उसके देखिए वो जो वैगन्स रहते हैं उनको देखिए देखिए दोनों में कुछ सिमिलरिटी आपको मिल रहा है इन बोथ केस अ लॉन्ग चेन ऑफ थिंग सच अ ब्रिड और वैगन हैज़ बीन ज्वाइंट तो आप देखिएगा कि दोनों में एक थिन ऐसे स्ट्रक्चर टाइप का आपका पतला सा देखिएगा कि ज्वाइन किए हुए पूरे होल सिस्टम को तो इट हैज़ नाउ बीन फाउंड फाउंडेड नेचुरल फ़ाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल कॉल मोनोमर्स तो इससे अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा नेचुरल फ़ाइबर है वो मोनोमर्स मोनोमर्स हम समझेंगे आगे तो दिस मोनोमर्स ज्वाइन द अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर। तो मोनोमर को जब हम लार्ज नंबर में फिर से ज्वाइन करते हैं तो वो पॉलीमर बना लेता है और सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ ए स्मॉल यूनिट्स मोनोमर ज्वाइन टुगेदर तो द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर इज मेड बाय ज्वाइनिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमेरिस्टेशन पोलीमेरिस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर को ज्वाइन करते हैं ओके सॉरी स्मॉल बाय विच अ पॉलीमोर इज मेड बाय ज्वाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ़ स्मॉल मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल किसके मोनोमर को जब ज्वाइन करते हैं और एक हमारा सेट बनता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमेरिस्टेशन तो मैनमेड पॉलीमर है बीन डेवलप टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्रजेंट डेट सिविलाइजेशन तो मैनमेड मोनोमर क्यों बनाया गया है पॉलीमर क्योंकि आज हमारी इतना रिक्वायरमेंट है जो हम नेचुरल से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं उतना हमें नेचुरल नहीं दे पाती है इसलिए हम मैनवेड बनाते हैं तो डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स अब डिफरेंट मैनवेड फाइबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्या किसकी विशेषता है ये सभी बातों को कहाँ पर कौन यूज़ किए जाते हैं लेटेस्ट नाउ स्टडी अबाउट द डिफरेंस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर यूजेज इन सम डिटेल्स फर्स्ट है हमारा रेऑन और आर्टिफिशियल सिल्क तो अब देखिए रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं ये सभी बातों को आप नोट करते जाइएगा कि रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास सेवन डेट सिल्क फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर इन चाइना तो जैसा कि हमने देखा देखा था कि सिल्क फाइबर कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है सिल्क वॉम के और ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया चाइना में फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर और फैब्रिक कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है सिल्क फाइबर से इस क्वाइट कॉस्टली जो कि काफ़ी महंगी रहती है इट्स टेक्स्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल ओके क्योंकि नेचुरल है तो भाई बेटीफी तो बनना उसका स्वाभाविक है बट कॉस्टली भी होगा तो लेटर ऑन अटैम्प्ट वर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली बाय द एंड ऑफ द नाइनथींथ सेंचुरी साइंटिस्ट वो सक्सेसफुल इन देयर अटैम्प्ट अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डेट ऑफ सिल्क वॉज ऑपरेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रे और आर्टिफिशियल सिल्क तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बोलने वाला हूँ अब फाइबर जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है अब फाइबर से टिक लगाइए और आर्टिफिशियल सिल्क तक क्योंकि इसमें बताया गया कि किस तरह से हमारा रेयन जो तैयार होता है किस की मदद से तो वुड पल्प केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प ओके वुड पल्प के एक हमारे पेड़ की होती है छाल शायद वही होती होगी उस पर केमिकल जब ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो तब हमारा आर्टिफिशियल और रेयन बनता है ओके अब जो हमारी बताई कि द रॉ मटेरियल यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ़ रेओन इज़ वुड सेलोरोज विच इज नेचुरल फाइबर्स दिस नेचुरल फ़ाइबर इज प्रोसेस्ड टू ऑबटेन अ सिल्क लाइक फाइबर देयर बाय रेन इज समाइम्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर तो रीजनरेटेड फाइबर रेओन को क्यों कहते हैं अब ये बातों को समझिए कहते हैं द रॉ मटेरियल यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ रेओन जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है हमारे रेन को बनाने के लिए इज वुड सेलोरोज वो है एक हमारा वुड सेलोरोज ओके okay. अब वुड सेलोरोज की क्या फंक्शन है विच इज़ नेचुरल फाइबर वो एक नेचुरल फाइबर है दिस नेचुरल फाइबर इज प्रोसेस टू ऑपरेट अ सिल्क लाइक फाइबर ओके तो अब ये नेचुरल फाइबर को जैसे सिल्क लाइक फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है दिस फॉर रेओन इज समाइम्स ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फायर फाइबर सॉरी रेओन इज नॉट कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल फाइबर इट्स रॉ मटेरियल इज नेचुरल फाइबर अब रेन को इसलिए प्योर आर्टिफिशियल फाइबर नहीं किया जाता कहा जाता है क्योंकि उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो हमारे नेचुरल फ़ाइबर होते हैं नेचुरल फ़ाइबर को यूज होने के कारण हम उसे पूरी तरह से प्योर आर्टिफिशियल फाइबर नहीं कहते अब देखिए यूज़ ऑफ रेन कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो रेउन कैन बी इमिटेट द feel एंड टेक्स्चर ऑफ सिल्क उल कॉटन एंड linen. तो रेओन का जो टेक्स्चर है कुछ इस तरह से आपको महसूस करवाएगा जब उसको आप छूएगा कि लगे क्या कि वो नेचुरल फाइबर है सिल्क उल कॉटन की तरह ओके हैंस इट इज़ ऑफ एन मिक्स विथ कॉटन टू मेक अ बेड शीट अब इसको इस रेओन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है बेड शीट बनाने के लिए और मिक्सड विथ उल टू मेक कारपेट और कभी कभी उल के साथ भी मिक्स किया जाता है उनके साथ जो हमें कारपेट बनाने में मदद आता है सेकेंड cool okay, है फैब्रिक्स आर स्मूथ कूल एंड कम्फर्टेबल ओके ये इनकी विशेषताएं हैं। रेओन कैन बी ईजली डाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर तो ये स्मूथ है कूल एंड कम्फर्टेबल है और रेओन को काफ़ी अलग अलग रंगों में जो भी विभावित कर जा सकता है काफ़ी काफ़ी अलग लंगों में उसे बनाया जाता है ओके थर्ड है इट इज़ सुटेबल फॉर वियर इन समर बिकॉज इट्स फैब्रिक कैन एब्जॉर्व स्वेट अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेन क्यों हमारे समर में सुटेबल है पहनने के लिए तो आप इसको आंसर दो किया है इट्स फैब्रिक कैन एब्जोर्व स्वेट ओके पसीना वो सूख सकता है फोर्थ है इट इज़ यूज इन मेकिंग एपरल्स लाइक ड्रेसेस जैकेट्स लाइनिंग सूट्स हैर्ट्स एक्सेट्रा तो इन सभी चीज़ों को बनाने में भी मदद करता है इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा हद से यूज किया जाता है इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड इन टायर कॉर्ड्स ओके तो इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में के लिए रिलेटेड टू मेडिसिन होगा और टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए ओके okay, तो ये था हमारा रेन अब नायलॉन के बारे में समझते हैं कि नायलॉन हमारा क्या होता है इट इज़ ट्रूली आर्टिफिशियल मैनवेड फाइबर ये भी एक तरह से ट्रूली आर्टिफिशियल है देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रूली आर्टिफिशियल मतलब क्या इसमें क्या हम, हम देखें देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कुछ नेचुरल रॉ मटेरियल यूज होता है क्या इट डज नॉट यूज एनी रॉ नेचुरल फाइबर्स एज इट्स रॉ मटेरियल तो कहता है कि ये जो नायलॉन है हमारा कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं करता है ओके okay. बट वहाँ पर हमारा रेन में करता था तो इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथिक फाइबर तो ये हमारा पहला ऐसा एक फाइबर था जो कि फुल्ली सिंथेथिक है इसमें कोई भी रॉ मटेरियल जो नेचुरल फ़ाइबर का हो वो नहीं यूज़ किया जाता है नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर पोलीमर तो नायलॉन को देखिए एक और नाम से कहा जाता है वनडर पोलिनमर तो ये भी याद कर लो अब यूजेज ऑफ नायलॉन समझते हैं इट इज़ हाईली इलास्टिक टेंसाइल एंड हैज सिल्क लाइक एप्लियंस इट इज़ यूज इन मेकिंग कारपेट सॉक्स एंड अदर होजियरी आइटम्स तो कहता है कि हाईली इलास्टिक होते हैं टेंसाइल रहते हैं जल्दी से टूटेंगे नहीं या कुछ क्षमता रहती है और सिल्क लाइक -like है, सिल्क की तरह दिखते हैं नायलोन इज यूज इन मेकिंग मैनी मिलिट्री अप्लियंस लाइक मेकिंग ऑफ रॉप्स पैरासूट्स अब इलास्टिक टेंसाइल होने के कारण इनमें क्या क्या यूज में किया जाता है मिलट्री अप्लीकेशंस लाइक रॉप्स पैरासूट्स अब इट इज़ हाईली ड्यूरेबल हिन्स इट्स फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग सीट बेल्ट टायर कॉर्ड्स क्लॉथ्स तो जैसा कि ड्यूरेबल का मतलब हमने समझा था मेटल एंड नॉन मेटल में कि ड्यूरेबल मतलब क्या होता है ओके okay. ड्यूरेबल मतलब होता है कि आप उसे पतले से में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि आपका पतले सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि आपका काफ़ी मजबूत भी रहेगा ओके इट इज हाईली ड्यूरेबल और टायर कॉर्ड्स एक्सेट्रा में यूज़ किए जाते हैं फोर्थ में इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल सच एज टूथब्रशेस कॉम्ब्स हुक्स एक्सेट्रा तो आपके जो घर में टूथब्रशेस रहते हैं कॉम्ब रहते हैं ये सभी किसके द्वारा बनाए ये सभी हमारे नाइलोन से बने रहते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स तो रॉक पे जो हमारे चढ़ते हैं उनके लिए रॉक रस वो जो, जो रोप्स बना रहता है वो नायलॉन के बने रहते हैं क्योंकि टेंसाइल इन काफ़ी ज़्यादा है ड्यूरेबल है ओके इन सभी विशेषताओं के कारण और टेरेलीन हमारा क्या है टेरेलीन इज अनदर सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स क्लॉथ्स बनाने में काम आते हैं इसकी एक अलग विशेषता है जो कि आप समझ समझिए लाइक नायलॉन करलिन इज ऑल्सो इलास्टिक हाईली ड्यूरेबल रिंकल रेसिस्टेंस एंड मोथ रेसिस्टेंस तो इसमें देखिए दो वर्ड आए हमारे रिंकल रेसिस्टेंस एंड मोथ रेजिस्टेंस ये सभी बातों को हम समझेंगे और ये इनके विशेषता होने के कारण इनका क्या यूज़ किया जाता है कुछ अलग वो हम समझेंगे इट इज़ लार्जस्ट यूज फॉर मेकिंग फेब्रिक्स ओके सेकेंड हेट डज नॉट एब्जोर्व वाटर अब इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अब कहते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इट इज़ देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेल्स फॉर बोट एंड फॉर मेकिंग कोट अब आपके घर में जो कोट रहता है बना वो क्या वो टेलिन से बना रहता है क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो आप समझ सकते हो कि आपका जो रेनकोट है वो या आपके घर में जो छाता है वो क्या रहता है वो एक ट्रेलिन फाइबर है ओके इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग कॉन्वेयर बेल्ट ओके इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इट इज़ यूज इन होम फर्निशिंग और घर में भी काफ़ी सारे फर्नीचर्स के रूप में या काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें वाटर प्रूफ चीज़ चाहिए अब देखिए हमारा है पोली एथिन टेट्रा फैटलेट जिसको हम पी e. भी बोलते हैं इसका यूज देखिए क्या है इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग बोतल्स बॉक्सेस एक्सेट्रा तो अब आप देखते होंगे कि पानी के बोतल जो होते हैं या बॉक्सेस रहते हैं ये सभी क्या चीज से बने रहते हैं ये पी ई टी पॉली एथिन इसका आप फुल फॉर्म याद कर लो यूजेज ऑफ पी देखिए क्या आते हैं वाइडले यूज हम देखते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स तो आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं फूड्स आते हैं वो हमारे जनरली पी से बने उस पी में कवर रहते हैं पी ईटी बोतल्स आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑयल्स एंड अदर फूड आर्टिकल्स सेकेंड हेट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स यूज इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर तो ये काफ़ी टू हम टू हमारा काफ़ी अलग इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद कर लो अच्छे से कि इन्हें मैग्नेटिक टेप में यूज़ किया जाता है यूज़ इन मैग्नेटिक टेप आप देखिए मैग्नेटिक टेप जो मैग्नेटिक टेप का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है यूज इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर्स ओके थर्ड है हमारा एक फाइबर जिसको एक भी बोलते हैं दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स विच अपीयर टू रेसेंबल ऊल ओके वी वीयर स्वेटर्स एंड सोल्स इन विंटर मैनी ऑफ दिज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल उल स्टिल दे अपीयर टू रिसम्बल उल मेड फ्राम मेड ओल मेड आर्टिकल्स तो आप जब गर्मी आप जब ठंडे की मौसम में रजाई ओढ़ते होंगे स्वेटर पहनते होंगे तो आप सोचते होंगे क्या जो ये नेचुरल फ़ाइबर है ये हमारे पूरी प्योर बट वो आपके प्योर नेचुरल फ़ाइबर नहीं रहते हैं जनरली जो आपके रे, मीडियम रेंज में रहते हैं वो आपके प्योर नेचुरल फ़ाइबर नहीं रहते हैं वो हमारे साइक्लिक फाइबर जो कि एक मैन फाइबर है हमारा उससे बने रहते हैं ओके उनके मिक्सअप से भी बना रह सकते हैं अब देखिए यूजेस क्या है फर्स्ट है दीज आर यूज फॉर मेकिंग ब्लेंकेट्स विच आर वेरी लाइट एंड हैव अ क्वाइट द सेम वारंथ एज उल एन तो देखिए ब्लेंकेट मतलब क्या रजाई तो कहता है कि ये हमारे काफ़ी हल्के रहते हैं ओके okay, और बिल्कुल नेचुरल फ़ाइबर की तरह आपको दिखेंगे और काम भी वही रहेगा हमारा जो आपको नेचुरल फ़ाइबर देगा जो आपको नेचुरल से फाइबर से बने हुए आपको जो कंबल गर्मी देगा ठंडे के मौसम में वही सेम आपको ये भी देगा आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फ्राम एसाइकलिक्रैलिक फाइबर्स आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव अब नेचुरल फाइबर तो जनरली सी बात है कि हमारी एक्सपेंसिव रहेंगी बट ये हमारा मैनमेड होने के कारण लेस एक्सपेंसिव एंड आर अवेलेबल इन वाइडली वैराइटीज ऑफ कलर और काफ़ी अलग अलग रंगों में लाल प्लेयर लाल पीला हला ब्लू काफ़ी सारे रंगों में आपको मिल सकते हैं अब एडवांटेज हम सिंथेटिक फाइबर का समझेंगे कि इतने सारे हमने उनके यूजेस पर अब एडवांटेज क्या है इनके तो दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग लस्टर काफ़ी लंबे तक आप इसे अगर धोइएगा भी कुछ भी करिएगा तो ये इनका लस्टर जल्दी से खोए नहीं वाला चमक नहीं जल्दी से अपना खोएगा सेकेंड है दे हैव लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फ़ाइबर्स तो अब जब एक खरीद लोगे नेचुरल फ़ाइबर प्योर नेचुरल फ़ाइबर का कोई स्वेटर तो एक खरीद लोगे मैनवेड आर्टिफिशियली फाइबर तो आप देखोगे कि आपके आर्टिफिशियल फाइबर कई साल तक चलेंगे बट आपके नेचुरल फाइबर एक से दो बार जब आप उसे धोओगे तो वो श्रिंक वो खराब वो आप सिकुड़ना या खराब हो जाएंगे दे आर इजी टू क्लीन आराम से आप उसे क्लीन कर सकते हो कोई भी, भी बिना झंझट के दे ड्राई क्विकली और जल्दी आपके या सूख भी सकते हैं दे डो नॉट रिंकल एंड देर फोर नीड अ वेरी लिटिल और नो इग्नोरिंग ओके दे डो नॉट सरिंक ऑन वॉसिंग वो आप उसके धोने पर ये सुर ये जो है आपका श्रिंक नहीं करेगा मतलब सिकुड़ेगा नहीं ओके दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फ़ाइबर और लेस एक्सपेंसिव भी हमारे होते हैं अब डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर के फर्स्ट दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट अब इनके पास जो है लो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है जो नेचुर जो सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं मेल्ट एट वेरी लो टेम्परेचर काफ़ी लो टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट करना चालू कर देते हैं दे बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकिंग बीड्स एट हाई टेम्परेचर It is therefore not advisable to wear synthetic clothes while working into the kitchen. इसलिए कहता है कि आप कोई भी अगर किचन में अगर काम कर रहे हो तो आप सिंथेटिक फाइबर का यूज़ ना करें सिंथेटिक फाइबर का कपड़े ना पहने जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है इससे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए सेकेंड है अनलाइक नेचुरल फाइबर देर डो नाट एब्जॉर्व वो स्वेट जो जिस तरह से हम देखते थे रेयन जो था हमारा पहला वाला वो नेचुरल फाइबर से मिक्सअप था जिसके कारण उस वो हमारा स्वेट भी ऑब्जॉर्व किया जाता था जिसे समर में पहनने के लिए हम आराम से पहन सकते थे कंफर्टेबल था बट जो हमारा मैन रहता है वो स्वेट ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है जिसके कारण वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए क्लॉथज मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर दरफ वेरी अनकम्फर्टेबल इन समर एंड रेनी सीजन ओके तो जब आप समर और रेनी सीजन में पहन लोगे तो रेनी सीजन में बारिश होता है वो सूख ही नहीं पाएगा अजीब लगेगा आपको या गर्मी के मौसम में आपके पसीना को वो नहीं सोख पाएगा स्वेट को डोर तो सिंथेटिक फाइबर आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो हमारे हेंस दे कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन काफ़ी सारे पॉल्यूशन होते हैं जब उसे हम जलाते हैं ओके अब प्लास्टिक हमारा क्या होता है प्लास्टिक को अब हम समझेंगे अगले लेक्चर में थैंक यू थैंक यू वेरी मच